सीतामढ़ी अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी किशोर कुमार ने हरलाखी प्रखंड क्षेत्र के सोनई पंचायत पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की जांच की। पदाधिकारियों ने सबसे पहले आंगनवाड़ी संचालित केंद्रों का जायजा लिया, जहां बेहद खराब स्थिति पाई गई। वहीं प्राथमिक कन्या विद्यालय सोनई में बच्चों की उपस्थिति कम देखी गई। कई जन वितरण दुकानदार पर भी पहुंचकर स्टॉक पंजी एवं वितरण पंजी का जायजा लिया, जहां जन वितरण दुकानदारों में हरकंप मच गया। कहीं स्टॉक से ज्यादा तो कहीं कम अनाज पाया गया। नल से जल निकल रहे योजनाओं में 16 वार्ड में महज 2 में ही जैसे तैसे नल से जल निकल रहा था। पदाधिकारियों में विद्यालय के HM को फटकार भी लगाई गई और विद्यालय में विधि व्यवस्था कायम करने का निर्देश भी दिया गया। पंचायत भवन में ही एक कमरे में 1 से लेकर 5 तक की पढ़ाई मात्र 2 शिक्षक के सहारे हो रहा था, जिस पर उन्होंने कहा कि सारी जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंपा जाएगा। वहीं मुखिया प्रेम कुमार मंडल ने कहा कि विद्यालय में व्यापक अनियमितता व गड़बड़ी की शिकायत जांच पदाधिकारी से करते हुए सरकार से मांग की गई कि सरकारी स्कूल में भवन निर्माण किया जाए, ताकि नौनी हालों का भविष्य संवारा जा सके। ग्रामीणों ने कहा कि सरकारी स्कूलों में कोई विधि व्यवस्था नहीं है, पढ़ाई के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं, इसलिए विद्यालय की स्थिति बदलनी चाहिए। वहीं अनुमंडल लोक शिकायत पदाधिकारी किशोर कुमार ने कहा कि जांच रिपोर्ट जिला अधिकारी को सौंप दी जाएगी। अच्छा, कनेक्शन है कि नहीं है इनका? कनेक्शन नहीं है, सिर्फ आधा अधूरा बन के तैयार है। तो इस पर ग्रामीणों को क्या सहूलियत अभी मिल रही है? ग्रामीण सब बोल रहा है, लेकिन इसका कोई इस ढंग से विरोध भी नहीं किया है। क्या नंबर वार्ड है? 1 नंबर वार्ड। कौन पंचायत है? सोनई पंचायत है। सोनई पंचायत में जो है ना, और अन्य जगह चालू है? चालू का कहीं नहीं है। अच्छा, कितना वार्ड होगा इस पंचायत में? 3 नंबर वार्ड में है, थोड़ा वो चालू है अभी फिलहाल भी चालू है। देखो भाई, आजकल तेज धूप और लू से लोग काफी परेशान है। इससे बचने के लिए कड़ी धूप में बाहर मत निकलना, और यदि निकलना भी पड़े तो भरपेट भोजन करके ढीले ढाले सूती कपड़े, जूते या चप्पल पहनकर ही निकलो। साथ में भीगा हुआ तौलिया और पानी जरूर रखना है। तापमान अधिक हो तो आप लोग मेहनत या मजदूरी ज्यादा नहीं करिएगा। खाना कम खाना है और पानी ज्यादा पीना है। इसके अलावे खाने में अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल लीजिए। मांस, अंडा, सूखा मेवा, गर्म या मादक पेय पदार्थ, जर्दा तंबाकू का सेवन मत करना। तबीयत खराब लगे या चक्कर आए तो तुरंत डॉक्टर साहब के पास चले जाइएगा। बाकी अगर तबहू लू लग गया तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले लू लगे व्यक्ति को छांव में लिटाकर ठंडे गीले कपड़े से शरीर को पोंछना है, चाहे ठंडे पानी से उसे नहलाना है। लू लगने के पहले या लू लगने के बाद ORS या नमक चीनी पानी का घोल, छाछ या आम का पन्ना देते रहना चाहिए। गर्दन, पेट और शरीर पर बार बार गीला ठंडा कपड़ा रखना है, और यदि व्यक्ति उल्टियां करे या बेहोश हो तो उसे कुछ भी खाने पीने ना दें। लू लगे व्यक्ति की हालत में अगर 1 घंटे तक सुधार न हो तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाइए। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।